नमस्कार, अभी मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी की। बात कीजिएगा तो इसमें बीपीएससी दिव्यांग अभ्यर्थियों होम सेंटर पर ही देंगे परीक्षा, ठीक है। तो दिव्यांग अभ्यर्थी जो भी हैं उनको उनका जो सेंटर होगा अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही होगा, होम सेंटर ही होगा, ठीक है। और इसकी मुख्य बातें क्या क्या है और बीपीएससी के बारे में क्या क्या एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए बने रहिए और पूरा देखिए, चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी ने 12 फरवरी को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा पीटी परीक्षा में दिव्यांग छात्रों के लिए होम सेंटर का प्रबंधन किया है। साथ ही इन अभ्यर्थियों की परीक्षा ग्राउंड फ्लोर पर ही होगी, ठीक है। यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट में तो होगा ही, उसमें भी ग्राउंड फ्लोर पर आपका होने जा रहा है जो भी विकलांग स्टूडेंट है, ठीक। दिव्यांग अभ्यर्थी इंटर के छात्रों को राइट के रूप में रखने के लिए केंद्राधीक्षक को आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि कोई ज़्यादा ही विकलांग है, ठीक है, तो वो क्या करे कि इंटर के छात्र जो लड़का अभी इंटर में पढ़ रहा है, जो लड़का अभी 11th 12th में पढ़ रहा है, उसको रख सकता है अपने स्थान पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं मतलब केवल टिक करना है या जो भी करना है, क्योंकि और ये जो दिव्यांग छात्र है उसको बताएंगे कि ये ऑप्शन टिक करो इस तरह से, ठीक है। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद ओएमआर सीट की बात कीजिएगा तो ओएमआर सीट में व्हाइटनर लगाने पर निगेटिव मार्किंग, ठीक। ओएमआर सीट में व्हाइटनर लगाने पर निगेटिव मार्किंग माना जाएगा, तो व्हाइटनर का प्रयोग न करें। जो कोई ऑप्शन गलत हो चुका है उसको छोड़ दे उसी तरह से, ठीक है, क्योंकि मतलब अगर आप उसमें व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो आपका निगेटिव मार्किंग में गिना जाएगा, ठीक। अभ्यर्थियों को विशेष निर्देश दिया जाता है कि अगर ओएमआर सीट पर व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको इन्हें निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। छात्रों को अब ओएमआर सीट भरते समय ध्यान देना होगा, तो क्या क्या ध्यान देना होगा चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मुख्य बातें क्या है देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या 434,661 है, ठीक। टोटल जो है आपको 434,661 पोस्ट है, फॉर्म भरा गया है स्टूडेंट के द्वारा। केंद्र परीक्षा केंद्र की संख्या 805 है, पूरा 38 जिला में 805 आपका केंद्र की संख्या है, ठीक। परीक्षा 12 फरवरी से को रविवार है, रविवार 12 फरवरी को जो रविवार दिन है उसको 12 बजे से 2 बजे तक आपका एग्जाम होने वाला है। कुल पदों की संख्या 324 है और आपका फॉर्म भरा गया है 434,661। यानी कि एक वीडियो में हम बताए थे कि करीब 1 पोस्ट पर 1300 आदमी फाइट करने वाला है, ठीक। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कुल 150, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा ही जो कि 150 संख्या होगा उसका। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश 9:30 बजे से दी जाएगी, ठीक है। 9:30 बजे आप अंदर जा सकते हैं, ठीक। DMSP केंद्रों पर प्रतिनियुक्त किए जाने वाले स्टैटिक्स एवं जोनल दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रैंडम आधार पर करना होगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जैमर लगेगी, ठीक। तो ये थे कुछ विशेष सूचना बीपीएससी के बारे में। धन्यवाद।